रियलमी एक्स जुलाई के मंथ में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, बट रियलमी एक्स के साथ आपको रियलमी एक्स प्रो भी लॉन्च किया जाएगा, जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 पॉपअप सेल्फी कैमरा, कोड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आपको रियलमी एक्स प्रो की स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। माधव सेठ जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि रियलमी की तरफ से आपको वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा। हम आपको बता दें, जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसमें आपको जो सेंसर यूज किया जाएगा वो सैमसंग का सेंसर होगा। सो गाइस, ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन होगा जो आपको रियलमी की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, तब जाकर वो एक प्रीमियम स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। वैसे ही आपको रियलमी एक्स का एक अपग्रेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा, जो रियलमी एक्स प्रो होगा, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर रियलमी ने अपना जो रियलमी एक्स था इसकी लॉन्च डेट इसलिए डिले की थी क्योंकि जो रियलमी एक्स है उसके साथ आपको रियलमी एक्स प्रो भी देखने के लिए मिलेगा, जो आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, अब बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो Realme X Pro में आपको 6.5 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको जो रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा वो फुल HD प्लस का देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, यहां पर आपको अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जरूर देखने के लिए मिलेगा Realme X Pro में। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो Realme X Pro में आपको Snapdragon का 855 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। तो Realme X Pro में आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। बात करें इसके कैमरास की, तो आपको पीछे वाली साइड 4 कैमरा देखने के लिए मिलेंगे Realme X Pro में, जिसमें आपको जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 वाला सेंसर देखने के लिए मिलेगा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर Realme पिक्सल बाइंडिंग का यूज करेगा, जिसमें आपको जो ओरिजिनल फोटो होगी वो 16 मेगापिक्सल की होगी, में पिक्सल बाइंडिंग की मदद से वो जो स्मार्टफोन की पिक्चर्स होगी वो 64 मेगापिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो गाइस, उसके बाद हम बात करें सेकंड कैमरा की, तो सेकंड कैमरा आपको वाइड एंगल का देखने के लिए मिलेगा। अभी कन्फर्म नहीं है कि कितने मेगापिक्सल का मिलेगा, बट 16 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने के लिए मिल सकता है वाइड एंगल का। उसके बाद हम बात करें थर्ड कैमरा की, तो थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिससे आप पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर सकते हो। जो आपको लास्ट कैमरा देखने के लिए मिलेगा उसके साथ आप माइक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हो, जैसा कि आपको Huawei के स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलता है। आप माइक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हो, जो आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अपर्चर F2.0 पर बेस्ड होगा, जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। सो अगर बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको जो बैटरी देखने के लिए मिलेगी वो 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और आपको चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन और इसकी कस्टम रोम के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो कस्टम रोम देखने के लिए मिलेगी वो कलर ओएस 6.0 देखने के लिए मिलेगी, एंड्रॉइड पाई पर बेस्ड होगी। उसके बाद हम बात करें रैम स्टोर वेरियंट की, तो रियलमी एक्स प्रो में आपको 3 रैम स्टोर वेरियंट देखने के लिए मिल सकते हैं, एक 6 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज, 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज। सो गाइस, इसमें आपको शायद माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि जो रियलमी एक्स था चाइना में लॉन्च किया गया था, वहां पर आपको डेडिकेट एसडी कार्ड स्लॉट्स देखने के लिए नहीं मिलते थे, बट इंडिया की रिक्वायरमेंट है डेडिकेट स्लॉट्स की, तो यहां पर शायद रियलमी एक्स और एक्स प्रो में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो रेडमी का K20 प्रो है उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलते। सो गाइस, बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होगी वो 22,000 से स्टार्ट होगी और 28,000 तक जाएगी। और बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो रियलमी एक्स प्रो आपको इंडिया में जुलाई के मंथ में ही देखने के लिए मिलेगा। जब रियलमी एक्स लॉन्च होगा उसके साथ ही रियलमी एक्स प्रो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, जुलाई के मंथ में आपको दोनों स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएंगे, और जुलाई के मंथ में ही आपको रेडमी की के सीरीज देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, अगर रियलमी अपनी प्राइस को कम करता है तो ये पूरी टक्कर दे सकता है रेडमी का K20 प्रो को। तो रेडमी का जो K20 प्रो होगा वो भी 22,000 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो रेडमी का K20 है उसको टक्कर देने के लिए रियलमी एक्स लॉन्च करेगा, और रेडमी का K20 प्रो को टक्कर देने के लिए तो रियलमी अपना एक्स प्रो लॉन्च करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, इसमें फ़ायदा हम लोगों का ही है, क्योंकि हमें अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।